सर एक जिलाध्यक्ष का मनोज सम्मान दिया गया। पहले हमारे ये ऊर्जावान जिलाध्यक्ष थे मनोज साहे जी, और उनका टेन्यू पूरा हो गया। इसके बाद फिर जिलाध्यक्ष का हमारे सम्मानित कार्यकर्ता और समर्पित कांग्रेसी नारायण बनवाल जी को बनाया गया। इसके बाद हम लोगों ने जश्न और सभी लोगों में उत्साह उमंग था। इसके 2 दिन भी नहीं हुआ और जबकि कोई विरोध नहीं था, और फिर तुरंत परिवर्तन करके भगराज जी को बनाया गया। हम लोग इसका सम्मान का विरोध मानते हैं। तो इसे जो पार्टी जो इस तरह का जो निर्णय लिया है कि एक दिन में बदल दिया गया, इसे पार्टी का आम जनता कोडरमा जिला में बहुत ही गलत गया है कि आपका जो कांग्रेस पार्टी है वो अच्छी पार्टी नहीं है, एक दिन में ही बदल देता है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, और आगे हम जो है प्रदेश और केंद्रीय कमेटी पर हम लोग कहेंगे इस पर थोड़ा सा संज्ञान में लें और उचित निर्णय लें, ताकि कांग्रेस पार्टी का छाछ जो है वहाँ बचा रहे। तो जिन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रभारी महोदय का और लोगों का पुतला पूरे प्रदेश में और प्रदेश कार्यालय में घुसकर जलाया गया, वैसे लोगों को पुरस्कृत किया गया। और हमारे लोग जैसे कार्यकर्ता जो राजस्थान के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद की बात पर हमने अपना लॉजिक रखा, और साथ ही साथ यह लॉजिक इसलिए बनता है कि जब मई 2022 में यह उदयपुर में पारित हुआ और अगस्त में 2 पद पर बैठे हुए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर राव जी ने प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए, इसीलिए मैंने लॉजिकल बात को रखने का काम किया। ये बहुत दुखद विषय है कि जिन लोगों ने पुतला जलाया उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, और जब आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो हमें लगता है कि पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, मिल बैठ कर हम लोग तय कर लेंगे, आलाकमान से बात करेंगे, जहाँ कुछ गलतियाँ हुई है उसको सुधारा जाएगा। तो कौन किया प्रदेश नेतृत्व पर जो आरोप लग रहे हैं? अब देखिए, जो अध्यक्ष होगा तो आरोप उन्हीं पे लगेंगे ना। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था, दलित वर्ग का नहीं था और माइनॉरिटी का नहीं था, इस कभी कभी भूल चूक हो जाती है। तो वैसी स्थिति में फिर से भगत पासवान जी दलित वर्ग से आते हैं तो उनको जगह दिया गया, और फिर रामगढ़ में भी एक नव पासवान जी को जगह दिया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां होती है। फिर उनको जो जिनको बनाया गया था नारायण बनवाल जी को, तो उनको प्रदेश सचिव बनाया गया नई कमेटी में, जिनको जिनको 4 लोगों को हटाया गया। और रह गई बात कोडरमा जिले की, तो प्रदेश आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस पे निर्णय लेंगे। अगर इन लोगों का विरोध है तो जिंदा पार्टी में तो होता है ना, बिना बगैर विरोध के।